जिस कोलकाता रेप कांड को लेकर पूरे देश की रूह कांप गई, जिस कोलकाता कांड को देखकर हर कोई सड़कों पर उतर आया, जिस कोलकाता कांड की वजह से सभी आरोपी संजय रॉय की फांसी की मांग करने लगे, सभी वकीलों ने उसी आरोपी संजय रॉय का केस लेने से इनकार कर दिया क्योंकि सभी पीड़िता की तरफ थे और आरोपी के सख्त खिलाफ क्योंकि सभी के घर में बहन बेटियां हैं और बलात्कार जैसी घटना के हित में कोई उतरना नहीं चाहता था। वहीं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी संजय रॉय के हित में महिला वकील खड़ी है। कौन है वो महिला वकील जो संजय रॉय की तरफदारी कर रही है, जो उसे फांसी से बचाने का कार्य कर रही है? चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट। कोलकाता केस में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आरोपी संजय रॉय को लगातार फांसी देने की मांग हो रही है। एक माँ बाप जिन्होंने मुआवजा लेने से मना कर दिया, उनकी मांग सिर्फ एक ही है, उनकी इच्छा सिर्फ एक ही है कि आखिरकार उनकी बेटी को इंसाफ कब मिलेगा, क्या इस केस में आगे कोई सुनवाई हो पाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आरोपी संजय रॉय का केस सभी वकीलों ने लड़ने से मना कर दिया, उसी आरोपी संजय का केस एक महिला वकील लड़ेगी। एक तरह से अजीब है कि एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए जहां देश की सभी महिलाएं एक हैं, तो वहीं एक महिला उस आरोपी की गुहार सुनने को कह रही है। उस वकील का नाम है कविता सरकार। जहां सारा देश आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग कर रहा है, तो वहीं वकील कविता सरकार का कहना है कि संजय रॉय निर्दोष है। उन्होंने कहा है कि वारदात का सच सबके सामने आ सके, इसीलिए उसने पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दी। इन सब के बाद अब हर कोई उस वकील को जानना चाह रहा है कि वो वकील कौन है जो संजय रॉय के हक में बोलने को तैयार है। दरअसल संजय रॉय का केस लड़ने वाली कविता सरकार वकालत के पेशे में पिछले 25 सालों से है। कविता ने अपनी वकालत की पढ़ाई हुबली के मोहसिन कॉलेज से की। उन्होंने अपनी वकालत के करियर की शुरुआत अलीपुर कोर्ट से की थी और उसके बाद कई केस भी लड़े। इसके बाद वो साउथ एशियन लीगल सर्विस एसोसिएशन सालसा में आ गई। यहाँ से उन्होंने क्रिमिनल केस लड़ने शुरू किए। ऐसी जानकारी सामने आई है कि संजय रॉय का केस मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, चाहे उस पर जो भी आरोप लगे हों, कितने भी केस दर्ज हो। उन्होंने कहा कि केस लड़ना उनका काम है और वो अपना काम कानून के हिसाब से करेंगे। कविता किसी भी आरोपी की फांसी की सजा के खिलाफ है। उनका मानना है कि उम्र कैद की सजा किसी भी आरोपी के लिए सबसे बड़ी सजा मानी जाती है। हालांकि सवाल एक तरफ ये है कि आरोपी को वकील कैसे मिल गया, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय कानून में हर आरोपी को अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है। गरीब लोग और जघन्य अपराधों में जब कोई भी आरोपी का केस लड़ने को तैयार नहीं होता, तो ऐसे मामलों में जज वकील को नियुक्त कर सकता है। कोर्ट में राज्य कानून प्राधिकरण में वो एकमात्र वकील है, इसीलिए कोर्ट के आदेश के बाद कविता को संजय रॉय का केस मिल गया, जिसके बाद से हर तरफ वकील कविता सरकार की चर्चा हो रही है। अब इस केस की बात करें तो कोलकाता केस में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, लोग धरने पर बैठ चुके हैं। कोलकाता केस के बाद सीएम पद से ममता के इस्तीफे की मांग तक हो रही है, जिसे लेकर ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी से पूछती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त अपना इस्तीफा क्यों नहीं दिया जब वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर और असम महिलाओं के लिए अपराध रोकने के लिए फेल हो गए थे। ममता सरकार का कहना है कि इस्तीफे की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि चुनाव में हार का मुँह देखना पड़ता है सामने वाले को। आपको बता दें कि इस केस में संजय रॉय, संदीप घोष और दत्ता का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है। अब इस टेस्ट में आगे क्या खुलासे होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कविता सरकार के लिए आपकी क्या राय है, जो संजय का बचाव करने के लिए रेप पीड़िता के खिलाफ केस लड़ रही हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।